कतारा उठवाई दे गगरिया मेरी जलती भरी रमिया उठवाई हो गगरिया मेरी जलती भरी तारा भी महाराज मैं गागर नहीं उठ सकती क्यों बोले तारा एक दिन थी हम राजा रानी सुन ले तारा रानी तुम क्या कह रही हो गागर नहीं उठवाओगी अरे हम तुम्हारे पति हैं तारा बोली सुनो महाराज एक दिन थे हम राजा रानी सुन ले सैया बानी घट जाए धर्म की डगरिया रानी कहने लगी महाराज गागर नहीं उठवा सकती अगर गागर को हाथ लगाया तो धर्म नष्ट हो जाएगा जो राज छोड़ के आए हैं वो सब मिट्टी हो जाएगा पत्नी होने के नाते यही कहेंगे आप गागर को भर के गहरे जल में घुस जाओ कुछ पानी का सहारा लगेगा खुद थोड़ा सहारा लगाना गागर उठ जाएगी भैया बल करके गागर तो उठा ली चार कदम चले ठोकर लगी वो गागर फूट गई और जब गागर फूटी शांति बनाए रखे राजा खाली हाथ मेहतर के घर पहुंचा और जब खाली हाथ मेहतर के घर पहुंचा मेहतर कहने लगा तेरे बाप घड़े बनाते हैं क्या इतने घड़े फोरेगा तो कहां से लाएंगे जितनी तनख्वाह नहीं है उतने के तू घड़े फोर देगा ध्यान रखना वही राजा हरिश्चंद्र जिसके इशारे पर हजारों नौकर नाच करते थे आज सर को नीचे डाले खड़ा है मेहतर कहने लगा सुनो आज के बाद तू पानी नहीं भरेगा आज के बाद तू मरघट की रखवारी करेगा हाथ में एक लाठी और काला कमर दे दिया महाराज हरिश्चंद्र मरघट की पहरेदारी करने लगे ध्यान रखना भैया वक्त का तमाचा बहुत बुरा पड़ता है और कहते ना किसी का समय देख करके हंसना नहीं चाहिए क्या पता भगवान तुम्हें उससे भी नीचे गिराते हैं क्योंकि महाराज समय समय की बात समय को परखे रोई रही लाड़ो भैया करो भैया आवाज लगाई काशी में हे काशी के लोगों गांव में
तीन प्राणी बचने को आए हैं। तब तक एक वैश्या पहुंची। महाराज हाँ एक बात बताओ, क्या इस हट्टे कट्टे नौजवानों की क्या कीमत है? 20 बार इसकी जी। और ये लेडी हमारे पास में बैठी है इसकी 20, और ये बच्चा है वो पीछे, इसकी क्या? महाराज देखो, एक ले तो 20, दो ले तो 40, तीन ले तो 60, मोल भाव को कोई सिस्टम नहीं है। अरे महाराज एक बात बताओ, क्या जे मुझे जैसे गुंदरा जाऊ के 20 बार सोनो है, जो हट्टो कट्टो नौजवान जाऊगी और जो लेडी जो पीऊ? हाँ कीमत एक ही है महाराज। हाँ अगर रेट में थोड़ा फर्क कर लो तो हम ले सकते हैं दो। देखो खोपड़ी खराब तो करो मत, रेट फिक्स है ना, कम होगी ना ज्यादा। अच्छा जी, तो ऐसे ही थाड़े रहो पूरे दिन, इन्हें कोई ले भैया पैदा नहीं भाव है। खूब बेल्ट बजाओ, खूब चिल्लाए चिल्लाए आवाज लगाओ, कोई ले वालो नहीं। तब तक एक मेहतर आ गया, बोले महाराज मैं जाति का मेहतर हूँ, क्या इस पुरुष को खरीद सकता हूँ? बिल्कुल ले जाओ, हमें तो पैसा तो मतलब है। बहुत बढ़िया, और होते दो चार व्यू ले आओ भैया। 20 बार सोना दिया, राजा को खरीद लिया। एक ब्राह्मण आया, उस ब्राह्मण ने रानी तारा पुत्र रोहिदास को खरीद लिया। अब तो तीनों काशी में ही निवास करने लगे। सुखदेव समझाते हैं कि हे महाराज परीक्षित, धीरे धीरे वक्त बीता, रानी तारा पंडित के लिए भोजन बनाती, पुत्र रोहिदास फूल तोड़ के लाता, महाराज हरिश्चंद्र पानी भर के लाते। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, जब भोजन करने बैठते हैं तब तब विश्वामित्र कहीं भिखारी का रूप धारण करके आते हैं, कहीं संत का रूप धारण करके आते हैं। 27 दिन बीत गए, राजा हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, शरीर दुर्बल हो गया। एक दिन घड़ा भर के बाहर रख लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है वो घड़ा उठा करके सर पे रख ले। तब तक राजा हरिश्चंद्र को रानी तारा दिखी, तारा से कहा हे तारा